नमस्कार दोस्तों, आप सभी का वेलकम है एक बार फिर से। और दोस्तों, आज इस वीडियो में हम अनबॉक्सिंग करेंगे और चेक करेंगे बॉश का ये C3 बैटरी चार्जर। तो दोस्तों, ये 6 वोल्ट की और 12 वोल्ट की बैटरी को चार्ज कर सकता है, तो आप इससे बाइक की या कार की बैटरी भी चार्ज कर सकते हो। एंड यहाँ पे बॉक्स में अगर हम बैक साइड देखें तो देखिए, इसमें प्राइस दे रखा है 3100 के आसपास, बट ये आपको 3000 के आसपास मिल जाएगा अमेज़ॉन से। डिस्क्रिप्शन में दोस्तों लिंक मैंने दे दिया है। एंड यहाँ पे देखिए, आप इसे 6 वोल्ट की स्कूटर की बैटरी भी चार्ज कर सकते हो, बाइक की बैटरी, कार की बैटरी भी चार्ज कर सकते हो 12 वोल्ट की। एंड यहाँ पे देखिए, आपको प्रोटेक्शन भी मिल जाती है, फुल चार्ज में प्रोटेक्शन है, ओवरलोडिंग की प्रोटेक्शन भी है, एंड यहाँ पे रॉन्ग पोलैरिटी की प्रोटेक्शन आपको मिल जाती है। तो चलिए दोस्तों, बॉक्स ओपन करते हैं, निकालते हैं इस चार्जर को बाहर। तो यहाँ पे दोस्तों आपको काफ़ी मोटी एक यूज़र मैनुअल मिल जाती है, ये डिफरेंट लैंग्वेजेस में है, इंग्लिश में भी है, आप चाहो तो इसे पढ़ सकते हो। देखिए काफ़ी कुछ इसमें लिखा हुआ है, काफ़ी मोटी मैनुअल यहाँ पे मिल जाती है आपको चार्जर के साथ। एंड यहाँ पे दोस्तों आपको काफ़ी सारे वार्निंग के स्टिकर्स मिल जाते हैं, यहाँ पे डिफरेंट लैंग्वेजेस में वार्निंग लिखा हुआ है, तो आप इन स्टिकर्स का भी यूज़ कर सकते हो। एंड यहाँ पे दोस्तों आपको एक हुक मिल जाता है इस चार्जर को हैंग करने के लिए, चार्जिंग के टाइम अगर आप चार्जर को हैंग करना चाहो तो कर सकते हो। तो चलिए इस चार्जर को निकाल लेते हैं बाहर। यहाँ पे दोस्तों बॉक्स पैकेजिंग जो है वो काफ़ी अच्छी दे रखी है, एकदम हाई क्वालिटी की पैकेजिंग दे रखी है। वैसे दोस्तों बॉश के जो प्रोडक्ट होते हैं उनकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी होती है, हम सबको पता है। तो दोस्तों ये है हमारा चार्जर, तो चलिए पहले आपको इस चार्जर का फिजिकल ओवरव्यू देता हूँ। तो दोस्तों ये है हमारा बॉश का C3 चार्जर, तो यहाँ पे काफ़ी सारे आइकन्स बने हुए हैं, काफ़ी सारे यहाँ पे सिंबल दे रखे हैं। आगे आपको वीडियो में बताऊंगा कि सारे सिंबल्स का क्या मतलब है, क्या इंडिकेशन है। यहाँ पे आपको एक मोड वाला बटन भी देखने को मिल जाता है, यहाँ पे देखिए कार के बाइक के आइकन्स बने हुए हैं। तो दोस्तों ऐसा कुछ चार्जर आपको देखने को मिल जाता है, ऐसा कुछ इसका डिज़ाइन है। तो यहाँ पे डिज़ाइन और बिल्ड क्वालिटी चार्जर की काफ़ी अच्छी दे रखी है। यहाँ पे आपको दो वायर्स मिल जाती हैं इनपुट एंड आउटपुट की, बैक साइड से देखिए कुछ ऐसा दिख जाता है चार्जर, ये देखिए। एंड यहाँ पे इसके वायर को देखें तो दोस्तों ये इसकी इनपुट वायर है, जहाँ पे आपने 230 वोल्ट AC वोल्टेज देनी है। एंड वायर की क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी दे रखी है यहाँ पे। एंड यहाँ पे दोस्तों आपको ये रेड एंड ब्लैक वाली वायर मिल जाती है, जो कि बैटरी में आपने लगानी है। एंड यहाँ पे इस वायर की भी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी की हैवी ड्यूटी वायर दे रखी है, एंड इसकी लेंथ भी काफ़ी ज़्यादा है। एंड यहाँ पे देखिए आपको ये प्लग मिल जाता है, 2-पिन प्लग है ये, ये देखिए कुछ ऐसा प्लग दे रखा है। तो ये प्लग आपने देखिए यहाँ पे कनेक्ट कर देना है, दो प्लग है मेल फीमेल, तो इनको आपने कनेक्ट कर देना है। एंड इसके आगे की तरफ अगर हम देखें तो देखिए यहाँ पे आपको एक 10 एम्पियर का फ्यूज़ भी मिल जाता है। तो देखिए इसमें 10 एम्पियर का एक फ्यूज़ लगा हुआ है, इसको ओपन करके आपको दिखाता हूँ, ये काफ़ी टाइट है, खुल नहीं रहा है, ये देखिए। तो यहाँ पे दोस्तों 10 एम्पियर का एक फ्यूज़ भी लगा हुआ है, ये देखिए, इसको क्लोज़ कर देते हैं। एंड यहाँ ये देखिए दोस्तों रेड कलर की वायर है, एक ब्लैक कलर की वायर है, नेगेटिव पॉजिटिव। एंड यहाँ पे दोस्तों ऐसे कुछ आपको एक क्लैंप देखने को मिल जाते हैं, काफ़ी अच्छी क्वालिटी के हैवी ड्यूटी क्लैंप यहाँ पे दे रखे हैं। देखिए यहाँ पे प्लस एंड माइनस भी यहाँ पे मेंशन किया गया है, पॉजिटिव में प्लस एंड माइनस है नेगेटिव में। यहाँ पे बॉश भी देखिए प्रिंट हो रखा है। तो यहाँ पे दोस्तों क्लैंप की भी क्वालिटी काफ़ी अच्छी दे रखी है, तो क्वालिटी वाइज तो चार्जर काफ़ी अच्छा लग रहा है, वायर की क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है, क्लैंप की क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है। तो दोस्तों ये आपने क्लैंप में वायर लगा देनी है, तो रेड वाली वायर आपने लगा देनी है रेड वाले क्लैंप में, पॉजिटिव है ये, यहाँ पे देखिए प्लस भी बना हुआ है इस स्क्रू में। एंड ब्लैक वाली वायर आपने नेगेटिव में लगा देनी है, ब्लैक वाले में, तो ये नेगेटिव है, यहाँ पे देखिए स्क्रू में नेगेटिव भी लगा हुआ है। दोस्तों अभी जो हमारे चार्जर है रेडी है पूरी तरह से यूज़ करने के लिए, तो अभी हम इसमें बैटरी चार्ज करके देखते हैं कैसी ये बैटरी चार्ज करता है। तो दोस्तों मैं अपनी बाइक की बैटरी यूज़ कर रहा हूँ चार्ज करने के लिए। तो दोस्तों ये बैटरी वैसे तो ठीक है, बट ये डाउन है, पूरी तरह से चार्ज नहीं है, और मेरी बाइक का जो सेल्फ है वो कई बार काम नहीं करता, मेरी बाइक सेल्फ स्टार्ट नहीं होती, तो ये बैटरी हम चार्ज करके देखते हैं। तो चलिए दोस्तों इस बैटरी को अभी चार्ज करके देखते हैं। तो यहाँ पर हमने पॉजिटिव लगा देना है, ये देखिए पॉजिटिव है रेड वाला, एंड यहाँ पर हमने लगा देना है नेगेटिव, नेगेटिव है ब्लैक। एंड यहाँ पे अभी हमने इस बटन को प्रेस करना है, तो देखिए दोस्तों अभी ये जो बैटरी है देखिए चार्ज हो रही है, यहाँ पे आप देख सकते हो, देखिए जो चार्जिंग वाला जो इंडिकेशन है वो ब्लिंक हो रहा है। तो अभी दोस्तों ये बैटरी चार्ज हो रही है, तो हम इसे छोड़ देते हैं कुछ टाइम के लिए, देखते हैं कि कितनी देर में ये बैटरी फुल चार्ज होती है। तो देखिए दोस्तों अभी हमारी जो बैटरी है वो चार्ज हो चुकी है, पूरी तरह से चार्ज है, फुली चार्ज। यहाँ पे देखिए ओके का इंडिकेशन आ गया चार्जर में, इसका मतलब बैटरी फुली चार्ज है। एंड यहाँ पे देखिए हमारी बाइक की बैटरी कनेक्टेड है, एंड ये 12 वोल्ट की बैटरी है। एंड यहाँ पे ये मोड वाला बटन देखिए, अगर मैं इसे प्रेस करता हूँ तो देखिए अभी चार्जिंग ऑफ हो चुकी है। एंड मैं अगर इसे दोबारा से प्रेस करूँ तो देखिए अभी चार्जिंग स्टार्ट हो चुकी है, ऐसा ब्लिंकिंग वाला इंडिकेशन आता है जब बैटरी चार्ज हो रही होती है। और अभी हमारी बैटरी फुली चार्ज है, तो यहाँ पे देखिए ओके का इंडिकेशन आ गया दोबारा से, यानी कि हमारी बैटरी फुली चार्ज है। एंड बैटरी को चार्ज होने में दोस्तों लगभग 2 से 2.5 घंटे लग गए हैं,
बिकॉज ये पूरी तरह से बैटरी डिस्चार्ज नहीं थी, मतलब थोड़ी बहुत चार्ज थी पर थोड़ी सी डाउन थी। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ जो इंडिकेशन दे रखे हैं इस चार्जर में, ये कब कब ग्लो होंगे। तो यहाँ पे देखिए, पहला ये आइकन है प्लस माइनस वाला, तो ये दोस्तों इंडिकेशन तब आएगा जब आप रॉन्ग पोलैरिटी लगाओगे बैटरी में, यानी कि अगर आपने नेगेटिव पॉजिटिव गलत कनेक्ट किया होगा तो यहाँ पे आपको रेड कलर की लाइट देखने को मिलेगी। ये भी मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए अगर मैंने पॉजिटिव लगा दिया नेगेटिव में एंड यहाँ पे मैंने नेगेटिव लगा दिया पॉजिटिव में, तो देखिए आपको ऐसी रेड कलर की लाइट देखने को मिलेगी चार्जर में, यानी कि आपने बैटरी को रॉन्ग कनेक्ट किया हुआ है। एंड दोस्तों यहाँ पे आपको ओके का इंडिकेशन तब देखने को मिलेगा जब आपकी बैटरी पूरी तरह से चार्ज हो जाएगी, फुली चार्ज बैटरी में यहाँ पे आपको ओके का इंडिकेशन देखने को मिलता है। एंड दोस्तों ये वाला इंडिकेशन तब आएगा जब बैटरी चार्ज हो रही होगी, तो यहाँ पे आपको ऑरेंज कलर की लाइट ब्लिंक करती हुई दिखेगी, इसका मतलब बैटरी जो है चार्ज हो रही है। एंड यहाँ पे दोस्तों आपको ग्रीन कलर की लाइट देखने को मिलेगी 6 वोल्ट वाली, अगर आप 6 वोल्ट वाली बैटरी कनेक्ट करके चार्ज कर रहे हो। तो यहाँ पे दोस्तों आपको 12 वोल्ट वाला ग्रीन इंडिकेशन देखने को मिलेगा अगर आप 12 वोल्ट की बैटरी को चार्ज कर रहे हो। एंड यहाँ पे दोस्तों देखिए बाइक का इंडिकेशन बना हुआ है, तो अगर आप बाइक की बैटरी को चार्ज कर रहे हो तो यहाँ पे आपको ग्रीन कलर की एलईडी का इंडिकेशन देखने को मिलेगा। एंड यहाँ पे दोस्तों देखिए आपको कार का यहाँ पे लोगो देखने को मिल जाता है, तो यहाँ पे दोस्तों अगर आपने कार की बैटरी चार्जिंग पे कनेक्ट करी है तो यहाँ पे आपको ग्रीन कलर का एलईडी इंडिकेशन देखने को मिलेगा। एंड यहाँ पे दोस्तों आपको AGM का इंडिकेशन देखने को मिल जाता है, तो दोस्तों AGM जो होते हैं वो लेड एसिड की एक एडवांस फॉर्म की बैटरी होती है और वो काफ़ी अच्छी क्वालिटी की बैटरीज होती है और काफ़ी महंगी भी होती है, तो अगर आप चाहो तो AGM बैटरीज को भी इस चार्जर से चार्ज कर सकते हो। तो दोस्तों अगर आपने AGM बैटरी को चार्जिंग से कनेक्ट किया हुआ है तो यहाँ पे आपको ये वाला इंडिकेशन देखने को मिलेगा। एंड यहाँ पे दोस्तों ये मोड वाला बटन दे रखा है, तो इससे आप चार्जिंग को स्टार्ट कर सकते हो एंड यहाँ पे चार्जिंग को इसी बटन से आप स्टॉप भी कर सकते हो। तो दोस्तों इस चार्जर से बैटरी चार्ज करने के बाद मेरी बाइक की बैटरी काफ़ी अच्छे से काम कर रही है, मेरी बाइक का सेल्फ स्टार्ट भी अब अच्छे से काम कर रहा है। तो दोस्तों ये चार्जर मुझे काफ़ी पसंद आया, दोस्तों डेफिनेटली आप इस चार्जर को परचेज कर सकते हो, इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है एंड इसकी परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छी है। दोस्तों ये आपको अमेज़ॉन पर मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में दोस्तों लिंक मैंने दे दिया है। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही था, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हो एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो।